स्टूडेंट्स, अब तक हमने इस चैप्टर में अपने रिलेटिव्स एंड फैमिलीज के बारे में पढ़ा था. अब नेक्स्ट आपको यहाँ से चलते हैं. डू यू नो, क्या तुम जानते हो, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के नज़रिए से, द फैमिली इज ए फैमिली ऑफ ओरिएंट, यानी कि परिवार का एक उन्मुखीकरण है. द फैमिली एक परिवार, द परिवार मतलब एक परिवार जो होता है, सर्व टू लोकेट चिल्ड्रन सोशियली, यानी कि परिवार जो है सामाजिक रूप से बच्चों की देखभाल करता है. एंड प्ले ए मेजर रोल इन दियर इनकल्चुरेशन एंड सोशलाइजेशन, और किसमें संस्कृतिकरण और एक सामाजिकरण के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाता है. अब नेक्स्ट आपसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. थिंक एंड टेल, क्या करने हैं आपको. इफ़ यू आर लिविंग इन ए न्यूक्लियर फैमिली, यदि आप किस में रहते हैं, एक एकल परिवार में रहते हैं, एंड योर मदर इज़ आउट फॉर 2 or 3 days, यदि तुम्हारी माता जो है वो 1 या 2 दिन के लिए, 2 or 3 days, 2 या 3 दिन के लिए कहीं बाहर चली जाती है, देन तब हाउ डू यू फील, कि तुम्हें कैसा अनुभव होगा. अब आपको इसमें राइट करना है कि आप कैसा फील करते हैं, वो आप खुद राइट करेंगे. अब नेक्स्ट है, डिस्कस विद योर टीचर अबाउट द स्कूल्स, आप अपने टीचर से डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन आपका जब क्लास स्टार्ट होंगी तब हम कराएंगे इसको. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ऑफलाइन जो क्लास स्टार्ट होंगी स्कूल में. डिस्कस विद योर टीचर, यानी कि अपने टीचर से डिस्कस करिए अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, आश्रम या हॉस्टल्स विच आर रन बाय गवर्नमेंट, जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, यानी कि अनाथ बच्चों के लिए. नेक्स्ट अब हम चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हु रेसेंबल्स हुम, यानी कि कौन किसकी शक्ल किससे मिलती है, इस टाइप से है क्वेश्चन. मतलब रेसेंबल्स मैंने आपसे पहले भी बताया था क्या होते हैं रेसेंबल्स, यानी कि आपके जो नैन नक्स होते हैं, जो आपका जो चेहरा होता है वो किससे मैच करता है, वो रेसेंबल्स होते हैं. मतलब कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ना किसी से आपकी शक्ल मिलती जुलती रहती है. अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पूजा सिस्टर, यानी कि पूजा की जो बहन है ज्योति, वेंट गई विद हर मदर, अपनी माता के साथ, टू अटेंड हर अंकल्स, यानी कि मामा जी की मैरिज. क्या हुआ इसमें, यहाँ पे क्या बताया, पूजा सिस्टर, पूजा की बहन ज्योति, ज्योति गई अपनी मदर के साथ अपने मामा की शादी में, मतलब उसने अपने मामा की जो शादी थी वहाँ पे शादी अटेंड की. हर मौसी जी, यानी कि उसकी जो मौसी जी थी, ऑल्सो केम दियर, वे भी वहाँ आई, उनकी जो मौसी जी थी वे भी वहाँ आई हुई थी. सी हैड ए लिटिल बेबी, उनके पास एक छोटी बेबी यानी कि बच्चा, गर्ल इन हर लैप, उनकी गोद में एक छोटी लड़की, मतलब बच्चा बेबी जो था, लड़की थी वो, उनकी गोद में थी. ज्योति सैड, ज्योति ने कहा, मदर मम्मी सी, देखो हाउ ब्यूटीफुल इज दिस डॉल, ये कितनी सुंदर, मतलब एक डॉल की तरह, मतलब कैसी कितनी सुंदर है. ओ सी, हाँ ओ देखो, सी हर नोज रिसेंबल नानीज, यानी कि इसकी जो नाक है वो किससे मिलती है, नानी से. हर आइज रिसेंबल्स चाचीज, और इसकी जो क्या है, आंखें हैं वो चाची से मिलती हैं. एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्सन, इसका जो गोरा रंग है, इज़ लाइक दैट ऑफ ग्रैंडफादर, ये किसके जैसा है, ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी के जैसा. एंड कम्प्लेक्सन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज़ लाइट विटिस, और इसके जो चेहरे की जो कॉम्प्लेक्सन है, फेस इज लाइट विटिस, यानी कि जो हल्का गेहुआ जो रंग होता है वो किसके जैसा है, उसके भाई के जैसा. अब नेक्स्ट चलते हैं. इसमें क्या बताया गया, यानी कि किसी का एक चेहरा, मतलब एक बच्चे का जो चेहरा है, उसकी जो नैन नक्स हैं वो किस किस से मिलते हैं, इस बारे में आपको बताया है. देखो मदर का फोटो दिया हुआ है, ज्योति एंड मौसी, मटर्नल आंट जो होती है, यानी कि माता की जो तरफ से जो रिलेटिव्स आते हैं वो क्या होते हैं, आपके मटर्नल आंट्स होते हैं. अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. फाइंड आउट एंड राइट डाउन, आपको फाइंड कर मतलब बताना, देखना है और राइट करना है क्या. विच ऑफ योर फिजिकली फीचर्स, यानी कि जो आपके शारीरिक फीचर्स, मतलब आपके शरीर की जो बनावट है वो आपकी किस से मैच करती है. रिसेंबल योर फैमिली मेम्बर्स, मतलब परिवार के किस सदस्य से मैच करती है. विच फीचर्स टू विच मेम्बर, मतलब कौन सी चीज़ और किस मेम्बर से आपकी मैच कर रही है. राइट डाउन इन योर कॉपी, और अपनी
आपको नोटबुक में इसे राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपको अब इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फीचर्स दी हुई है, आपका जो फेस है, फेस किससे मिलता है आपका, उसमें आपको जैसे नाना नानी मामा मामी दादा दादी जिससे मिलता है वो राइट करेंगे। आइज किससे मैच करती हैं, यदि आपके फादर से मैच करती हैं तो फादर, मदर से तो मदर, जो भी आपका जो भी पार्ट जिससे मैच करता है वो आपको यहाँ पे राइट करना है। फोरहेड माथा किसके जैसा है, ईयर्स कान किसके जैसे हैं, कॉम्प्लेक्शन यानी कि आपका कलर जो है, रंग जो है वो किसके जैसा है, इसमें आपको राइट करना है। और नोटबुक में राइट करके आपको देखना है कि आप किस किस से, अपनी मदर से, इसमें आप फैमिली मेम्बर से हेल्प ले सकते हैं कि मम्मी मेरी आँख किसके जैसी है, नाक किसके जैसा है, ये आप हेल्प ले सकते हैं। ज्योति, मदर मदर मम्मा मम्मा इन माई क्लास, मेरी क्लास में प्रीति राइट विद हर लेफ्ट हैंड, प्रीति जो है वो किससे लिखती है, लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ से लिखती है, बट हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन उसकी जो हैंड राइटिंग है वो कैसी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर है। सी हैज़ बीन ऑल्सो अवार्डेड फॉर दिस, उसे मतलब उसके लिए अवार्डेड भी किया गया, मतलब उसे पुरस्कार दिया गया। आई आस्क हर, मैंने उससे पूछा, वाई डोंट यू राइट विद योअर राइट हैंड, तुम अपने किससे, दाएँ हाथ से क्यों नहीं लिखती। वी ऑल डू यूज़ ओवर राइट हैंड फॉर राइटिंग, हम सब तो मतलब अपने राइट हैंड यानी कि दाएँ हाथ से लिखते हैं। सी सेड, उसने कहा, आई डू ऑल माई वर्क विद लेफ्ट हैंड, मैं अपना सभी काम किससे करती हूँ, लेफ्ट हैंड से। आई ट्राई टू राइट, मैं कोशिश करती हूँ, विद माई राइट हैंड, मतलब मैं अपने दाएँ हाथ से लिखने की कोशिश करती हूँ, बट आई कुड नॉट, यानी कि मैं इसे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, वो लेफ्ट हैंडर है, जैसे तुम्हें बचपन से जिस हैंड से वर्क करने की जो हैबिट में आ जाता है तो आप उसी हैंड से आप क्या करते हैं, राइट करते हैं। वो लेफ्ट हैंडर हो या आप राइट हैंडर हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपने बचपन से किस हैंड से राइट किया। अब नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट डाउन, आपको पता करना है और राइट करना है। विच ऑफ योर हैबिट्स, आपकी जो आदतें हैं मैच विद विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, यानी कि मैच करती हैं, मिलती हैं आपके किसी परिवार के सदस्य से, तो राइट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। आपको उसमें क्या करना है, ऐसे ही एक क्या बनानी है, टेबल बनानी है, ठीक है। और जब आप टेबल बनाएंगे और उसमें आपको ऐसे ही एक तरफ हैबिट्स लिखेंगे और मैच विद विच फैमिली मेम्बर्स, यानी कि आपको जिस भी फैमिली मेम्बर से आपकी जो हैबिट्स मिलती हैं वो आपको इधर राइट करनी है, ठीक है। राइटिंग है मतलब आप लिखते हैं किसके जैसा लिखते हैं, कौन से हाथ से लिखते हैं, इस टाइप से आपको मतलब मान के चलिए आपके फादर जो हैं लेफ्ट हैंडर हैं तो आप भी लेफ्ट हैंड से राइट करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, हम फादर राइट करेंगे। ईटिंग, खाना खाने की जैसे जो आदतें होती हैं, क्या पसंद होता है, इसमें ये भी आ जाता है। और दूसरा ये भी होता है कि जैसे खाना खाते, खाने का जो आपका तरीका होता है वो आप किसके जैसे खाते हैं, उस तरीके से आपकी मिलती जुलती हैबिट्स जो होती हैं वो आपके परिवार से ही होती हैं। सब कुछ आप सबसे पहले आप अपने परिवार से सीखते हैं, बातें करना और खाना बोलना, ये सब आपके फैमिली मेम्बर्स पर ही डिपेंड करता है। टॉकिंग, बात किसकी तरीके से करते हैं। वॉकिंग, चलते कैसे हैं, मतलब घूमते कैसे हैं आप, पोस्चर और बैठते कैसे हैं, ठीक है, आपकी जो स्थिति होती है, मतलब कि सीधे बैठते हैं, टेढ़े बैठते हैं, इस टाइप से आपको उसमें राइट करना है। फीचर्स, अब नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे हम फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की जो विशेषताएं होती हैं, मैच विद द फीचर्स, मैच करती हैं ऑफ डियर पेरेंट्स, यानी कि उनके मम्मी पापा से। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि जो पिता की तरफ से, यानी कि जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं आपके दादा दादी चाचा चाची ये सब होते हैं, एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ये इसमें क्या दिया, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ आपका, दादा दादी। और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का मीनिंग क्या होगा इसमें, नाना नानी। इन सब से आपकी जो हैबिट्स होती हैं, किसकी, जो आपके अंदर जो भी हैबिट्स हैं, विशेषताएँ होती हैं, वो सब इनसे मैच करती हैं। नेक्स्ट है आपका दीज फीचर्स, इन जो ये फीचर्स होती हैं, जो आपकी ये विशेषताएँ होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, आर कॉल्ड जेनेटिक हेरिडिटरी फीचर्स, यानी कि आपकी आनुवंशिक होती हैं, ये आनुवंशिक विशेषताएँ होती हैं, यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित होती रहती हैं। मतलब जैसे आपके दादा दादी हैं, आप उस तरीके से काम करते हैं, वो आप में आ गया। जो मतलब मम्मी पापा हैं आपके, उनके तरीके से आप अपना काम करते हैं, नाना नानी के तरीके से अपना काम करते हैं, तो ये क्या हुआ आपका, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपका इसमें स्थानांतरण होता है, मतलब कि बदलता रहता है, वही चीज़ें आप दोहराते रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं आपके
जेनेटिकली फीचर्स जो होती हैं आपकी, अनुवांशिक फीचर्स कहलाती हैं, मतलब वो दीज फीचर्स, ये फीचर्स जो होती हैं आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती रहती हैं, मतलब गुजरती रहती हैं इस तरीके से। जो भी विशेषताएं जैसे आपके दादा दादी की हैं, फिर मम्मी पापा में, फिर आप में, इसी तरीके से नाना नानी की भी जो होती हैं आपकी फीचर्स होती हैं, वो आपके मम्मी में, फिर मम्मी से आप में, सब में आप, मतलब उनके बच्चों में आ जाती हैं। इसी तरीके से ये पीढ़ी दर पीढ़ी रूपांतरित होती रहती हैं। चिल्ड्रन इनहेरिट सम फीचर्स फ्रॉम दियर इन्वायरमेंट विच आर नॉट हेरिडिटरी, और बच्चों में जो होती हैं कुछ जो फीचर्स होती हैं वो इन्वायरमेंट यानी कि उसके आसपास का जो वातावरण होता है वहाँ से होती है, वहाँ से मिलती हैं उसे, मतलब कि आपके आसपास कौन रहता है, आपके चारों तरफ का जो माहौल है, वातावरण है वो कैसा है, उससे आपकी ये सब मैच करती हैं। ये ना कि आर नॉट हेरिडिटरी, ना कि अनुवांशिक होती है कुछ चीज़ें, क्या आप में अनुवांशिक नहीं होती, कैसी होती हैं वो आप में आपके इन्वायरमेंट से मिलती हैं। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं ग्रेगर जोहन मेंडल? ग्रेगर जोहन मेंडल कौन थे, अब आपसे बताएंगे इसमें। ग्रेगर जोहन मेंडल जो थे, एक थ्रो हिज वर्क ऑन पी प्लांट, उन्होंने क्या किया था, एक किसके, मटर के पौधे पर वर्क किया, डिस्कवर द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिससे उन्होंने इनहेरिटेंस, अनुवांशिक जो है आपका, उनके गुणों का पता लगाया। सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसलिए इन्हें किसके पिता कह के पुकारते हैं, अनुवांशिकी के पिता कहकर भी पुकारते हैं। आज मैं इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ाऊंगी। इसे देखो, ये ग्रेगर जोहन मेंडल की आपको एक फ़ोटो दी हुई है। जब आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको फ़ोटो दे देते हैं कि किसकी फ़ोटो है, तो आपको पहचान कर बतानी है ये कौन है, ग्रेगर जोहन मेंडल। एंड आपको ये भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस पर वर्क किया, मतलब उन्होंने किस चीज़ का पता लगाया, या फिर हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स के पिता को, कि पिता कौन है, तो आप क्या कहेंगे, ग्रेगर जोहन मेंडल। इस तरीके से आपका ये चैप्टर मैं आज यहीं पर ही, यहीं तक ही कराती हूँ। और आपको क्या करना है, जो भी बीच में ये आपकी वो दी हुई है ना, टेबल्स दी हुई हैं, उनको फिल करना है, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको राइट करना है, एंड इस चैप्टर को रीड करना है, और जो भी वर्ड मीनिंग्स मैंने राइट कराए उनको भी आपको लर्न करना है। उससे आपको चैप्टर रीड करने में आसानी हो जाएगी और आपके चैप्टर समझ भी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।